अरे ये तो लड़कियां बनी छोटी छोटी, ये भी मस्त है। ये भी अभी अच्छा लग रहा है, दोनों ले लो। और ये मोर, ये देखो ये डांस कर रही लड़कियां, ये भी अच्छा लग रहा है, ये दोनों दे दीजिए। रहा परमार्थ निकेतन, ये देखो ये पीछे, ओ भाई साहब कृष्ण जी को देख लो। हाँ ये दिस इज वेरी फेमस स्पॉट, ये बिल्कुल आइकॉनिक है, यहाँ पे बनाया हुआ। और ये सामने शंकर जी, ये पता है शंकर जी का सिर तक पानी आता है जब ये गंगा उठती है। हाँ। सही में? हाँ, बारिशों में मैंने देखा है पूरा शंकर जी का, यहाँ तक बस चांद सूरज दिखता है। तो ये तो सब पानी भर जाता होगा, पूरा यहाँ तक डूबता है। ये तो गीता प्रेस नहीं है, इन्हीं में पता नहीं 1000 कमरे रहने के। अच्छा, यहाँ के आप बात कर सकते हो, बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं जिनके थ्रू भी आप बुक कर सकते हो। ऐसा लग रहा है भगवान जी सेल्फी ले रहे हैं। साथ में थाली खाली 100 रुपए की है, नीचे महाराजा थाली खाली 220 की है। महाराजा थाली में क्या क्या है? पनीर सब्जी, मीठा भी होगा, नान भी है, रायता है। भैया बहुत ज्यादा, मैं नहीं खा पाऊंगा, रहने दो। तब हम सामने, इसका एंट्रेंस कहाँ से है? फाइनली गीता भवन, यहाँ पर भी लोग रुकते हैं गीता भवन में भी। अच्छा है यार, ये ऐसे हम भी बनवा सकते हैं अपने यहाँ बाहर बैठने के लिए। चले, अभी हम लोग वहीं थे ना नीचे। हाँ, सामने ही तो घूम रहे थे, वहीं पूरी रोड में थे हम लोग, यहाँ से बल्कि हम उस पुल से उतर के उधर की तरफ गए थे। और बीटल्स आश्रम तो ऊपर, बीटल्स आश्रम उधर है, फिर से जाएंगे यार। आरती हो रही थी, वो वाला तुम्हारा जानकी सेतु, और ये वाला, दोनों से हम लोग आज ट्रैवल करके आए ना। यही वाला लंबा स्ट्रेच था। गीता आश्रम इस तरफ है और परमार्थ आश्रम वो है, लेकिन इसका मतलब है गीता आश्रम वहाँ से लेकर पीछे वहाँ तक है, बीटल तक। हाँ, मैं वही तो आपसे कह रही थी, अभी भीड़ भी है। हाँ, उधर भीड़ होती है, शाम को आरती होती है ना। ये देखो यहाँ पर सब भीड़ में बैठ खड़े हैं, यहाँ पे सब भीड़ में काफी लोग बैठ खड़े यहाँ पे। हाँ, मेरा भी मन था आरती देखने का, बट हम लोग आगे थक गए थे यार, पैर दर्द हो रहे थे। हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, अभी तुम नहीं चलोगे? बाद में बाय। इसको भी चलना है बेचारे को, इसको तो हर जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये योगा कर रही है बच्ची, ये भी और ये भी, दोनों लोग। ये देखो ये बाबा जी बैठे हैं। मूर्ति है, कहाँ है रेस्टोरेंट? तो हम लोग शाम को यहाँ गंगा होटल में खाना खा रहे हैं, और मैंने शर्त लगाया था रिम्पी को कि यहाँ पर रेस्टोरेंट नहीं होगा, और यहाँ पर रेस्टोरेंट निकल के इतना बढ़िया वाला। मेनू देखेंगे तो लग रहा है जैसे कोई हार्ड बाउंड किताब, ये देखिए। और यहाँ तो रेस्टोरेंट के वेटर्स की ड्रेस भी है भैया। बच्चों देखो जिया क्या यूज कर रही है, एकदम चैंपियन। कि दोस्तों यहाँ पर मेरी बीवी वर्चुअल रियलिटी के साथ खेल रही है, और मुझे भी तार तार से थे, फिर चिड़िया वाला आएगा। म्यूजिक मस्त है ना, तुम्हें दिख रहा है क्या? मुझे आवाज आ रही है, स्पीकर में आवाज काफी है। तुम्हें देखना है? नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए हम लोग यहाँ पर हैं फाउंडर्स होम, और यहाँ पर नारायण मूर्ति मिलेंगे आपको, अजीज प्रेम जी मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत मकान है, अगर आपको यहाँ आना हो ऋषिकेश में तो। ये रंजीत है, रंजीत इतना बढ़िया खाना इसने खिलाया, और कल गाजर का हलवा तो मजा आ गया सही में यार। और देखिए हमारे नए नए फ्रेंड बने हैं, एक ही दिन में हम लोगों की ऐसे थी दोस्ती साल डेढ़ साल की हो चुकी है। रंजीत हमारी फोटो खींच दो भाई। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सी स्पेसेस बना रखी हैं, वर्क स्पेसेस, अगर आपको काम धाम करना है। और बाप रे बाप क्या व्यू है, ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग किसी ड्रीम स्पेस में आ गए। रिम्पी कह रही थी कोई ब्रिज है यूएस में, उसकी तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ गंगा है, ये ऑलमोस्ट परफेक्ट प्लेस है। और ये हमारे हीरो का रूम है। अरे रिम्पी, अरे इसका रूम देखो, इसका रूम ज्यादा सुंदर है, इस पे डबल बालकनी है, एक बालकनी इधर है एक इधर है। यहाँ से व्यू कितना खूबसूरत है यार। यहाँ टोटल एक रूम उधर है जिसमें हम रुके हैं, एक रूम ये है, एक रूम ये, तीन बेडरूम है, और एक रूम ऊपर छत पे भी है। ये डाइनिंग का एरिया है, उधर वो किचन है। अब मैं आपको ले चलता हूँ छत पे, और बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे बड़े बड़े फाउंडर्स, बिकॉज ये फाउंडर्स होम। और ये है हमारी नेहा जी, शी इज़ अ आर्ट ऑफ लिविंग टीचर एंड शी इज़ अ मेरू हीलर, राइट। और ये है दोस्तों, मैं आपको टेरिस दिखाता हूँ अपना, ये देखिए। रिम्पी को मैं थैंक यू बोलूँगा फिर से, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत जगह पर लेकर आती है अक्सर। ये देखिए ये पूरा टेरेस है, 360 डिग्रीज व्यू है यहाँ पे। उधर से गंगा चालू हो रही है, और यहाँ चल के वो है जानकी सेतु। जब आप सामने जाएंगे ना तो वहाँ से ये वाली बिल्डिंग दिखाई देती है एकदम साफ।